ओम शांति। आज है 22 नवंबर 2021 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रश्न, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? उत्तर, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे, तुम यहाँ सवेरे से बैठे क्या कर रहे हो? तुम स्टूडेंट तो हो ही, तो जरूर यहाँ बैठे यह ख्याल करते होंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आए हैं। इस पढ़ाई से हम सूर्यवंशी बनेंगे, क्योंकि तुम राजयोग सीख रहे हो विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए। इस ख्याल में बैठे हो या किसको जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधा धोरी आदि याद आता है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि यह है गीता पाठशाला, हमको भगवान पढ़ाते हैं और हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे। यह है राजयोग। बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा से डायरेक्ट सुनकर सूर्यवंशी घराने के भांति बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है, हमारा राज्य होगा। दुनिया में लोगों को मालूम नहीं है कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम बच्चे कहते हो कि हम अभी बाबा से स्वराज्य विद्या स्वर्ग की सीख रहे हैं, हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। यह अंदर में सुमिरन करना है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तुमको इतना भी याद रहता है वह भूल जाते हो। तुम ऊंचते ऊंच भगवान के स्टूडेंट हो, तुमको ऊंचते ऊंच देवता बनाने के लिए बाप पढ़ा रहे हैं, तुम उनके बच्चे हो। आत्माएं इस शरीर द्वारा अपने भविष्य मर्तबे को याद कर रही हैं, या शरीर के संबंधी जिस्मानी मिल्कियत धंधा धोरी याद करती हैं। यहाँ जब आते हो तो यह समझना चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाने आता है, बेहद का मालिक बनाने। फिर राजा रानी बनो या प्रजा, मालिक तो बनते हैं ना। नई दुनिया में है ही सूर्यवंशी घराना, यह तो समझते हो ना कि हम अपनी राजाई करेंगे। बाबा जानते हैं कि बच्चों को बाहर रहते, घर बार, खेती बाड़ी में रहते इतनी बाबा की याद नहीं रह सकती, तो यहाँ जब आते हो तो सब ख्यालात छोड़कर आओ। तुम अभी उस कलयुगी दुनिया में हो ही नहीं, अब तुम संगम पर हो। कलयुग को छोड़ दिया है, बाहर में कलयुग है। मधुबन जो खास है यह है संगम, इसलिए मधुबन का गायन है। यहाँ इस मुरली का ही सिमरण करना है। जो सुनते हो वह रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो। जितना समय मिले चित्रों के आगे आकर बैठ जाओ, इन्हों को देखते और पढ़ते रहो। ब्राह्मणियां जो ले आती हैं उन पर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत ओना रखना चाहिए। जैसे टीचर्स को ओना रहता है, हमारे स्कूल से अगर कम पास होंगे तो इज्जत जाएगी। जब स्कूल से बहुत पास होते हैं तो वह टीचर अच्छा माना जाता है। ब्राह्मणियों को स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ तुम जैसे संगम पर आए हो जहाँ डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं, यहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा है। अगर यहाँ घर घाट धंधा याद पड़ा तो बाबा समझेंगे, यह साधारण प्रजा बनेगा। आए थे राजा बनने के लिए, परंतु नहीं तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। चित्र भी तुमको बहुत मदद करते हैं।
लोग अष्ट देवी देवताओं के और गुरुओं के चित्र घर में रखते हैं याद के लिए, परंतु उन्हों को याद करने से मिलता कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते नीचे ही उतरते आए हो। तुम बच्चों को ऊंच जाने का पुरुषार्थ करना है, घर में शिव बाबा का चित्र रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। पहले तुम हनुमान को, कृष्ण को, राम को याद करते थे, अब शिव बाबा सम्मुख कहते हैं कि मुझे याद करो। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है, यह चित्र सदैव पॉकेट में रख दो, घड़ी घड़ी देखते रहो तो याद रहेगी। बाबा भगत था तो लक्ष्मी नारायण का फोटो पॉकेट में रखता था, गद्दी के नीचे साथ साथ रखता था, उनसे मिला कुछ नहीं। अब बाबा से बहुत प्राप्ति हो रही है, उनको ही याद करना है। इसमें माया सामना करती है, ज्ञान तो भल बहुत सुनते सुनाते हैं, इसमें तीखे जाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि 84 का चक्र भूल जाता है, ऐसे भी नहीं, यहाँ रहने वाले जास्ती याद करते हैं। नहीं, यहाँ रहते भी कई हैं जो धूल छाई को याद करते रहते हैं। जिस बाप से हम गोरे बनने आए हैं उनको जानते ही नहीं, माया का परछाया बहुत पड़ जाता है। मूल बात है याद की, बाबा जानते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते हैं। योग में रहने से ही देह अभिमान कम होगा, बहुत मीठे रहेंगे। देह अभिमान होने से मीठे नहीं बनते, बिगड़ते रहते हैं। बाबा सबके लिए नहीं कहते, कोई सपूत भी है, सपूत उनको समझा जाता है जो योग में रहते हैं, उनसे कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी। मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाएंगे। हम नंगे अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बन घर जाना है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम अपने घर को जानते हो, राजधानी को भी जानते हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कोई काला लिंग नहीं है, जैसे वह दिखाते हैं वह तो बिंदी मिसल है। यह भी हम जानते हैं। अभी हम घर जाएंगे, वहां हम अशरीरी रहते हैं, अब हमको अशरीरी बनना है। अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करना है। यह तो समझाया जाता है आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नुंधा हुआ है, उसका अंत होता नहीं। थोड़ा समय मुक्ति धाम में जाकर फिर पार्ट में आना है। तुम ऑलराउंड पार्ट बजाते हो, यह सदैव याद रहना चाहिए। अभी हमको घर जाना है। बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ धंधा धोरी को याद नहीं करना है। यहाँ तुम पूरे संगम युग पर हो, अभी तुम बोट में बैठे हो। कोई बीच में उतर जाते हैं फिर फंस मरते हैं, इस पर भी शास्त्रों में एक कहानी है। अब तुम जानते हो उस पार जा रहे हैं, खिवैया शिव बाबा है। कृष्ण को खिवैया व बागवान नहीं कहेंगे, शिव भगवान उवाच है। पतित पावन शिव बाबा है, कृष्ण की तरफ बुद्धि जा न सके। मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती रहती है, बाबा आकर भटकने से छुड़ाते हैं। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। यहाँ से तुम बहुत रिफ्रेश होकर जाते हो, अनुभव भी सुनाते हो। बाबा हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, मित्र संबंधी आदि का मुंह देखते हैं, लुभायमान हो जाते हैं। तुम बच्चे आशिक हो, काम काज करते माशुक को याद करो, तब ऊंच पद पाएंगे। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और तो कुछ यहाँ है नहीं। सिर्फ देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है, वह तुम देख सकते हो। ऊपर में बैकुंठ खड़ा है, झाड़ भी तुम्हारा क्लियर है। नीचे राजयोग में बैठे हो, ऊपर राजाई खड़ी है। हूबहू
जैसे दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, तुम जानते हो शिव बाबा हमको फिर से ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इस कलयुग का विनाश होना है। यह आदि देव आदिनाथ कौन है तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो ना। इस समय की चर्चा फिर भक्ति मार्ग में चलती है। त्योहार व्रत सब इस समय के हैं। सच्चा व्रत है मन मना भव, बाकी निर्जल रखना, खाना नहीं खाना, यह कोई व्रत नहीं है। दुनिया में इस समय माया का पांप बहुत है। पहले यह बिजली गैस आदि नहीं थी, फिर निकली है। 100 वर्ष हुए हैं, इसमें मनुष्य फंस मरे हैं। कहते हैं हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। माया का इतना जोर है जो बाप को बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं। कहते हैं तुम चलकर देखो हम कैसे स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग के आगे तो यह कुछ भी नहीं है। कहाँ स्वर्ग कहाँ नर्क, स्वर्ग की एक भी चीज यहाँ हो नहीं सकती। वहाँ हर चीज सतो प्रधान होगी, गाय भी फर्स्ट क्लास होंगी। तुम भी फर्स्ट क्लास बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर खान पान आदि सब फर्स्ट क्लास होता है। सूक्ष्म वतन में फल आदि देकर आते हो ना, नाम ही रखते हैं शुबीरस। दुनिया वालों को यह भी मालूम नहीं कि स्वर्ग है कहाँ। वहाँ सब कुछ सतो प्रधान होता है, यह मिट्टी आदि वहाँ नहीं पड़ती। दुख की कोई बात ही नहीं है, परंतु बच्चों को यह नशा अजुन चढ़ता ही नहीं है कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। चित्र कितने क्लियर हैं, चित्र बनने में समय तो लगता है। बाबा सब कुछ सर्वे सर्थ बनवाते ही रहते हैं, परंतु कोई तो अपने धंधे धोरी में इतना फंसे हुए हैं जो बाबा को याद भी नहीं करते हैं। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, वह भी पढ़नी चाहिए। गीता के जो नियमी होते हैं वह कहाँ भी जाएंगे तो गीता जरूर पढ़ेंगे। अब तुमको सच्ची गीता चित्रों सहित मिली है, अब अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, फिर हाय हाय करनी पड़ेगी। जब साक्षात्कार होगा, इम्तिहान पूरा होगा, फिर दूसरे क्लास में नंबरवार बैठ जाते हैं। यहाँ भी जब साक्षात्कार हो जाएगा तो नंबरवार रुद्रमाला फिर विजयमाला में जाएंगे। स्कूल में कोई बच्चे नापास होते हैं तो कितने दुखी हो जाते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्पांतर की बाजी। कई बच्चे पूरी मैगजीन पढ़ते नहीं हैं। बच्चों को मैगजीन पढ़कर सर्विस करनी चाहिए। लिखते हैं बाबा फलानी को बदली कर दो, अच्छी ब्राह्मणी भेज दो। कोई कोई ब्राह्मणी के साथ इतना प्यार हो जाता है, ब्राह्मणी बदली होने से गिर पड़ते हैं, सेंटर पर आना ही छोड़ देते हैं। कोई उल्टा काम हो जाए तो सच्चाई से फौरन बाबा को लिखना चाहिए तो पाप का असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बाबा सुधारने के लिए कहते हैं, परंतु कोई को सुधरना नहीं है तो पाप कर्म करना छोड़ते ही नहीं है। तकदीर में नहीं है तो बाबा को सच्चा समाचार नहीं देते हैं। बाबा के पास रिपोर्ट आने से सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है। बहुत मीठा बनना है, किसी बात में भी बिगड़ना नहीं है। नंबर 2, मुरली का सिमरन करना है। जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है। मन मना भव का व्रत रखना है। वरदान,
सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे, कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। श्लोगन, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रोज मुरली सुनने के लिए आप शिव बाबा मुरली मधुबन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली शिव बाबा मुरली आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओम शांति।